हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस का ज्ञान। मैं प्रेमा अभी आज आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, हम सभी लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, और किस कारण से हम इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं इसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही साइंस का टॉपिक लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही हम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि हम पृथ्वी पर किस प्रकार से खड़े रह सकते हैं, किस कारण हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं। पृथ्वी पर निवास करने के हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हमारा खान पान हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हम पृथ्वी पर स्टैंड करते हैं इसका एक बहुत ही खास रीज़न है, तो इसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स वह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में चौक है, अगर मैं इसको ऐसे ऊपर उछाल के सीधे नीचे लाती हूँ तो ये हम लोग देखते हैं आमतौर पे ये सीधे नीचे मेरी हथेली पे गिर गई। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे अपनी स्टैंडिंग पोजिशन से अगर हम ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वह क्या होता है, सीधे नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है, यानी कि आकर्षण बल होता है जो किसी भी वस्तु को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है या अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यह किस तरीके से वर्क करता है, यह आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल को जो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जो हमें जानकारी दी गई थी, जिसको प्रतिपादित किया गया था, वह क्या था? न्यूटन के द्वारा। आप सब लोग जानते होंगे न्यूटन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण के बल के बारे में बताया था। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है, इसका एक सार्वत्रिक नियतांक नियम होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो होता है, हम आगे पीछे लिख दिया तो इसको हम दोबारा रेज करके लिखेंगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो इसी पे डिपेंड है। इसको हम दो वे में समझ सकते हैं। पहला, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई ये दो वस्तुएं हैं, या आप मान सकते हैं एक पृथ्वी एक चंद्रमा है, तो इस तरीके से इनके बीच क्या होता है, देखिए, ये दो हमारे पास कोई दो पिंड है या फिर कोई दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान हमने मान लिया m1, क्योंकि अगर कोई वस्तु है या कोई पिंड है तो उसका अपना क्या होता है, एक वेट होता है। तो m1 और m2 हमने क्या ले लिया, इसका द्रव्यमान, मास, या फिर आप कह सकते हैं वेट, ठीक है। अब देखिए, इनके बीच की डिस्टेंस भी है, क्या इनके बीच की डिस्टेंस है, और इनके बीच क्या लग रहा है, एक फोर्स भी लग रहा है। तो f क्या हो गया, इसका फोर्स हो गया, डिस्टेंस होगी इनकी r। तो किस तरीके से हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम को प्रूफ कर सकते हैं, देखिए, जब दो पिंड क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे कि इन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या है, एफ है, तो दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल क्या हो गया, एफ हो गया, और उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल, दो पिंड हैं, पहला द्रव्यमान या मास है उसका, पहले पिंड का जो मास है वो है एम1 और दूसरे पिंड का जो मास है वो है एम2, वो क्या हो गया, इन दोनों का गुणनफल, यानी कि m1 m2। हम जानते हैं कि जब बीच में किसी, जब दो चीज़ें एक साथ होती हैं उनके बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी कि गुणनफल का चिन्ह होता है। तो ये दोनों क्या होता है, f क्या होता है, m1 और m2 के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हो गया हमारा समानुपाती का चिन्ह। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है, इनकी
इन दोनों पिंडों पे लगने वाला जो इन दोनों पिंडों का जो द्रव्यमान है वह दोनों पिंडों में लगने वाले बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जो हमारा दूसरा स्टेप है वह यह कहता है कि यही बल, कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह इन दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है, दूरी क्या है हमने लिया यहाँ पे r, इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब व्युत्क्रमानुपाती की बात आती है तो आ जाता है अपॉन में, जब समानुपाती होता है तो उसके सामने आता है और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो मतलब अपोजिट, तो उसके नीचे आ गया। तो इस तरीके से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वह यह कहता है कि किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के बीच की भी उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर के समानुपाती और उन दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आ गई, तो हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आएगा, देख सकते हैं यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है तो आ गया सीधे एफ और आ गया सीधे समानुपाती या प्रोपोर्शनल का साइन m1 अपॉन m2 अपॉन r स्क्वायर। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेकर कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि m समानुपाती m1 प्लस m2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए जब हम कभी भी इस टाइप के साइन को बीच में से हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कांस्टेंट टर्म आता है या एक नियतांक या स्थिरांक आता है, तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है जी, कैपिटल जी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है, तो यहाँ पे जो कैपिटल जी है यह क्या है, सार्वत्रिक नियतांक जी एम वन अपॉन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जी बराबर क्या है हमारा, सार्वत्रिक नियतांक या स्थिरांक, सार्वत्रिक नियतांक या फिर स्थिरांक। अब देखिए इस कैपिटल जी की एक वैल्यू होती है, वो होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11। ये तो हो गई इस जी की वैल्यू, लेकिन अब आती है किसकी बारी, मात्रक की बारी, क्योंकि जब हम वैल्यूज हटाते हैं, देखिए जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं अगर हम उसको वेट में खरीदते हैं, जैसे कि लोहा ले लिया या चीनी ले ली तो हम उसको केजी में लेते हैं, अगर हम किसी चीज़ को तरल पदार्थों में लेते हैं या लिक्विड में लेते हैं, लिक्विड मटेरियल लेते हैं जैसे दूध तेल, तो हम इसको लीटर में लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे जी है तो इसका तो क्या 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 कहलाते हैं, उनके मात्रक कहलाते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे जी है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 है, तो इसके पीछे भी इसकी एक यूनिट यानी कि इसका एक मात्रक लगेगा। वो मात्रक किस तरीके से निकालते हैं, देखिए हमारा जो फॉर्मूला बना f = gm1 m2 upon r स्क्वायर, तो यहां से हम g की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो यहां से अगर हम g की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी, g आए तो f और r आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे f r स्क्वायर upon m1 m2। अब देखिए यहां से हमारा मात्रक मिलेगा हमें g = क्या हो जाएगा, f यानी कि फोर्स, फोर्स की जो यूनिट होती है वो होते हैं न्यूटन, और r स्क्वायर हमारी क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप r स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब नीचे है हमारा m1 एंड m2, अब देख सकते हैं आप m1 और m2 हमारा जो है वो क्या है, मास है, द्रव्यमान है यानी कि वेट है, तो वेट को हम किस में लेते हैं, kg में लेते हैं, तो kg स्क्वायर। तो इस टाइप से यहाँ पे जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी अपॉन में देख सकते हैं आप केजी स्क्वायर है, तो जब हम अपॉन में से कोई चीज़ ऊपर लाते हैं पावर में है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस में पावर हो जाती है। तो इस प्रकार से जो हमारे जी की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, 6.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा है गुरुत्वाकर्षण बल और उसका सार्वत्रिक नियम, किस प्रकार से आप सार्वत्रिक नियम को इजीली दो वे में तोड़ के, क्योंकि इसके अगर आप लंबी डेफिनेशन लेते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और आगे पीछे कहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती लिखना है कहाँ पे समानुपाती लिखना है इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको दो वे में इजीली लिख के इसको फॉर्मूले वाइज इसको बना के आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, साथ ही इसकी वैल्यू और साथ ही इसका मात्रक यानी कि यूनिट आप लिख दें, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया होगा कि आज हम अगर पृथ्वी पर स्टैंड हैं या खड़े हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और इस प्रकार की और भी अन्य वीडियो हमारे चैनल में है जिनको आप देख सकते हैं।
और हमारे इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।